सो लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस जोरदार प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है गाइस। सो अभी हम लोग जो अभी क्लास 12th का जो अभी एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उसका रिएक्शन हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। ऐसे तो रिएक्शन आपको बहुत सारा रिएक्शन वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट ये एकदम जोरदार होने वाला है। हम एक टीचर है फिजिक्स का, आपको ये पता होगा, ये सारा बैकग्राउंड आपको अभी दिखा देंगे वीडियो शूट करने के बाद। तो अभी हम लोग ना मतलब हम रैंडमली जो स्टूडेंट्स में से पूरा साल पढ़ा है, कोई कोई ऐसा भी है जो आधा साल में छोड़ दिया है, तो उसको हम आपको बता देंगे। तो उन स्टूडेंट्स को अभी एग्जाम तो हो चुका है, तो अभी 2 बजे एग्जाम हो गया, तो 9 बज चुका है रात का। तो हम कॉल करके पूछने वाले, रैंडमली कॉल करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स है मेरा उसको, अब जो फ़ोन उठाया उससे बात होगा, कुछ तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम रियली टफ होता है, ईजी आता है, कैसा पेपर आता है, वो आपको कुछ तो समझ में आ जाएगा। तो खैर अब आप बोलिएगा कि सर ये तो गलत हुआ ना, आप कैसे किसी से मतलब कि कम्युनिकेट ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी का कम्युनिकेशन कॉल आप कैसे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सुन सकते हैं, बिल्कुल आपको फायदा होगा, बल्कि एग्जाम का ही सारा बात किया जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक बार कम्युनिकेट कराते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो बिल्कुल ही एकदम ये मतलब रैंडम वीडियो है ना, कुछ भी प्लान नहीं है, हम देखिए नहीं बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं अभी जो मतलब कि जैसे ट्यूशन होता है ना, तो ट्यूशन में ग्रुप्स होता है, तो ग्रुप से हम नंबर उठा उठा के कॉल कर करके और पूछेंगे सबसे क्लास 12th फिजिक्स का एग्ज़ाम उनका कैसा गया। तो देखा जाए एक बार कि किसको पहले हम फ़ोन करते हैं, एक मिनट, वीडियो इज़ गोइंग ऑन, यस आपको दिख रहा होगा सारा चीज़ क्लियर कट कैमरा में। चलिए देखते हैं किसको कॉल करके पहले पूछा जाए। तो एक काम करते हैं, एक स्टूडेंट तो बहुत सारा फ़ोन भी किया था, बट पहले एक एक लड़का एक लड़की ऐसे करके हम लोग कॉल करेंगे, पहले एक लड़का फिर एक लड़की, पहले एक लड़का फिर एक लड़की, ऐसे ऐसे तो हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो अपने घर में भी यहाँ मेरा क्लासेस चलता है और ट्यूशन पर भी चलता है, तो कोचिंग पर भी चलता है, कैचिंग कोचिंग दो कोचिंग है उसमें चलता है। तो हम लोग देखते हैं किसको कॉल किया जाए। तो एक काम करते हैं, पहले जो एक अच्छा रिव्यू एक लड़की है पहले उससे लिया जाए, पहले रिव्यू लिखते हैं है ना, कैसा गया एग्ज़ाम पूछा जाए। वो हमको ऐसा फ़ोन कर रही थी, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल लग रहा है, शीरीन नाम इसका, और भी हम लोग देखेंगे फिर एक लड़का कैसे भी बात करेंगे, मतलब जो थोड़ा सा अलग टाइप का स्टूडेंट होता है। हेलो, हेलो, हाँ शीरीन, वालेकुम सलाम, कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया, पेपर तो हम देखे एकदम, मतलब तुम्हारा सेट टू था क्या? सेट टू मतलब देखिए एकदम उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब डेरिवेशन एकदम पूरा गायब कर दिया ना इससे। हाँ डेरिवेशन तो नहीं, डेरिवेशन एकदम गायब कर दिया, रेडियस वेलोसिटी वाला कुछ नहीं आया। हाँ वो सब नहीं आया, लेकिन ऐसे दो डेरिवेशन हमको दिखा उसमें, लेकिन वो भी डेरिवेशन थ्री मार्क्स में। हाँ हाँ हाँ, वो भी डेरिवेशन मतलब थोड़ा लॉजिक वाला था, मतलब कि ऐसे रटने वाला नहीं था कि ये फॉर्मूलाज को ड्राइव करो, ऐसा नहीं था, मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज। केमिस्ट्री से कैसा, हार्ड था कि केमिस्ट्री से आसान लगा? केमिस्ट्री से मतलब आसान लगा, मतलब जैसे होता है ना कि पेपर दे देता है इंसान कैसा भी चल जाता है, लेकिन फिर मतलब ये समझना कि कितना हमको सब्जेक्ट समझ आ पाया, तो केमिस्ट्री से बेकार की अच्छा, अच्छा गया, हम वाह 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 ऐसे ना तो खतरनाक। तो ये क्या बोलते हैं, वो एक सेमी कंडक्टर वाला क्वेश्चन था एसर्शन में, वो बन गया था। कौन सा क्वेश्चन? वो उसमें जो पूछा था कि क्या बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, उस टाइप से कुछ था। हाँ वही तो सर, तुम्हारे साथ भी था, वो सारा इजी था, सारा इजी था, सब बन गया था। हाँ मतलब अच्छा गया क्या? देखिए ना हम आपको भेजे भी हैं। हाँ हम देखें क्वेश्चन पेपर जो तुम भेजी हो, ये वाला क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास आया घूम घूम के, इसमें था एक क्वेश्चन हमको याद है, उसको देखते हैं। इंसुलेटर वाला था। हाँ 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 होगा ना इसका, कौन सा? नहीं ये तुम्हारा दूसरा सेट है यार, कोई दूसरा सेट है, हम दूसरा सेट देखे थे। नहीं नहीं ये दूसरा, मेरे पास दूसरा सेट आया था, तो वो दूसरा था। अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज से आया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या? और टॉर्क वाला। हाँ तो मतलब कुल मिला के ठीक ठाक गया ना। हाँ, है ना, अच्छा है। चलो ठीक है, बायो इसके बाद? इसके बाद फिजिकल एजुकेशन फिर बायो। अच्छा उसके बाद बायो है, ठीक है तब फिर खतरनाक कर दो एकदम, देखते हैं रिजल्ट के बाद, फिर सोना मत लेकिन पढ़ना है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू। ओके तो देख ले गाइस इसका एग्ज़ाम कैसा गया, मतलब कि ये तो कह रही ठीक है अभी पता चलेगा। अभी एक काम करते, एक स्टूडेंट को ऐसा फ़ोन करते जो मतलब कि पूरा साल, मतलब अविनाश, अविनाश नाम है इसका, देखते हैं ये उठा दे कि नहीं। देखिए इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल अवेलेबल नहीं इस नंबर पे, खैर कोई और नंबर उसका देखते हैं अगर हुआ तो।
क्योंकि अगर उससे आपका बात हो जाएगा तो थोड़ा सही रहेगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। खैर एक और है, ऐसे देखते हैं हम, मतलब है तो ऐसे बहुत लोग जिससे पूछ के हम आपको मतलब बता सकते हैं, पता चल जाएगा सर आपको, मतलब एग्जैक्ट रिएक्शन एकदम मिल जाएगा। अब देखते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा तो अभी दिखनेगा, एक ऐसा बैच था जिसमें मतलब कि ऐसा लड़का लोग नहीं था, तो एक और बैच है इसमें देखते हैं, एक लड़का है सौरभ, तो उससे एक बार बात करते हैं और पता करते हैं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं, अभी हम धीरे धीरे बात करवाएंगे, एक बार सौरभ से बात करते हैं। तो ये देखते हैं, अब देखिए कैसा बोलता है, क्या बोलता है, हम देखते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वह अभी स्विच्ड ऑफ है। स्विच ऑफ गाइस। जो एक और लड़का, चलिए सुशांत, वो इस डाउट भी पूछ रहा था, उससे बात करते हैं एक बार। सुशांत से बात करते हैं, सुशांत रैंडम वीडियो है, पता नहीं चल रहा है, गाना खतरनाक है गाइस, देखते हैं उठाएगा तो बात बनता है, उठा ले। हेलो, सर हाँ कैसा गया एग्ज़ाम? देखिए, ये पेपर टफ था सर। पेपर टफ था, केमिस्ट्री से कैसा गया, केमिस्ट्री के कंपैरिजन में? सर वो ठीक ही गया था, उसका भी पेपर लेकिन टफ था। टफ था पेपर ना। हाँ थोड़ा सा हम देखें, मतलब क्वेश्चंस जो 20 साल से जैसा आ रहा है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आया है क्वेश्चंस, मतलब जैसे डेरिवेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया कि ये वाला डराइव करो जल्दी से, उस टाइप का नहीं दिया है ना। हाँ थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाने वाला पेपर था। सर मतलब जैसे हम ये एसी जनरेटर पूरे अच्छे तरह से रट लिए था ना, वहां गए ना सर, पेपर देखे ना सर, भूल गए सर हम। उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये सब सारा कर दिया ना, हाँ डिराइव करना ही हमको नहीं समझ मारा क्या होगा क्या होगा। हाँ देखो बाबू ऐसा ही होता, क्या होता है ना, इंसान डेरिवेशन का पहला स्टेप ही भूल जाता है, कैसे करें, ये दिक्कत होता है सबके साथ। खैर ज़्यादा टेंशन है, अब इसके बाद मैथ्स है ना, हाँ सर अच्छे से करो उसको, और ये सब भूल जाओ जो भी एग्ज़ाम पीछे हुआ केमिस्ट्री का फिजिक्स का, ठीक सर है? आज तो बहुत खराब लगा सर, बहुत इसमें खराब लगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये सब कर दिया, उसको इसको अच्छा से फर्स्ट पेज में ही लीजिए सर, अच्छा से पढ़ के गए थे इसको सर। आपको न्यूमेरिकल भी इसका बहुत टफ था। न्यूमेरिकल पता है लेकिन बहुत कम आया था, मतलब कि समझ के चलो 25%। हाँ लेकिन जो भी था वो सब। थोड़ा सा मतलब जानता है जी कैसा था क्वेश्चन, जो पूरा साल पढ़ेगा ना मतलब उसको हाँ ठीक, सर थोड़ा सा मतलब कि यही था कि पूरा साल अच्छा से जो पढ़ेगा उसको, और मतलब पहले जैसा पेपर आता था ना, या फिर जैसे सैम्पल पेपर आया उसके मुकाबले थोड़ा सा अलग ही दे दिया एकदम, नहीं हाँ सर जैसे तुम लोग का प्री बोर्ड का आया, मॉक का आया, वो सबसे अलग दिया, हम ये चीज़ देखें। वही सर, प्री बोर्ड ये सब काम पूरा पढ़ के गए हुए थे, वो सब से कुछ आया ही नहीं वैसे टाइप का। और सर ये केस स्टडी भी इसका गजब था, समझ में ही नहीं आ रहा। केस स्टडी उसका दे दिया था ना, ऑप्टिक्स का, हाँ ऑप्टिक्स का दे दिया था। हाँ और वहाँ पर मतलब वो तुमको मिला था क्या कि 2 N1 N2 करके लिख दिया था ऊपर नीचे, क्या चीज़, N1 लिखा हुआ था N2 लिखा हुआ था, वो वाला केस स्टडी था क्या? मेरा सेट 3 था अच्छा, सर। सेट 3 था वो, मेरे पास सेट 2 आया है, ठीक है चलो कोई नहीं, ये वाला एग्ज़ाम का मत सोचो है ना, आप अगला वाले के लिए प्रिपेयर करो। वही है ना कि थोड़ा सा मतलब जानता है, थोड़ा सा और ना सैम्पल पेपर थोड़ा बनाता ना तो थोड़ा आइडिया होता तुमको, है ना? बस वही मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम के लिए अच्छा से करो, बेस्ट ऑफ लक, है ना? यस सर थैंक ठीक यू है, ओके 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 ठीक। चलिए गाइस, तो आपको ये भी रिएक्शन समझ में आ गया होगा, मतलब ये एकदम रियल रिएक्शन मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब बिना स्टूडेंट्स को बताए, मतलब कि अब क्या करें, अब अगर रियलिटी अगर बताना है तो यार ऐसा तो करना ही पड़ेगा, चल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो लोग भी इससे कुछ हमको लगता बुरा मानेगा। तो हम देखते हैं अब, और अब देखिए एक लड़का एक लड़की है, उससे बात करके पूछते हैं ना, हृतिका ये पढ़ने में थोड़ा ठीक है, शिरीन भी ठीक थी पढ़ने में, ये सुशांत थोड़ा एवरेज था। अब देखते हैं इसका, रितिका नाम है, रितिका नाम, देखते हैं ये कोचिंग में पढ़ती थी फंडामेंटल में, देखते हैं। हेलो हाँ सर कैसा गया? ठीक ही ठाक गया। पेपर तो मतलब सब बोल रहा है कि सर बड़ा हार्ड आया था। हमको तो उतना हार्ड नहीं लगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हाँ हम भाई जो जो चैप्टर किए नहीं थे थोड़ा उसी में, बाकी तो अटेंड किए ही है। एमसीक्यू तो हमको अच्छा ही लगा मेरा वाले पेपर का। हाँ तुम्हारा सेट हम देखें, और एकदम सेमी कंडक्टर तो एकदम लग रहा था एकदम पूरा वही थ्योरी उठा के डाल दिया उसने। हाँ सर बहुत सारा कुछ उतना कुछ नहीं था मतलब, लेकिन है कि जिसको डेप्थ का नॉलेज नहीं होगा वो नहीं कर बिल्कुल पाएगा। सही बोली, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही बोली जो, हाँ था कुछ कुछ। अच्छा देख रही हो, डेरिवेशन एक भी नहीं दे रहा है, डेरिवेशन खतरनाक कर दिया नहीं, हाइजीन सुजीन गायब सब।
डेरिवेशन भी कुछ आया ही नहीं एकदम। हाँ और जो आगे का तीन चैप्टर उससे न्यूमेरिकल भी बड़ा अजीब सा दिया था, मतलब वैल्यू था ही नहीं अपने से डेरिवेशन टाइप का। तो कंसेप्ट पे मतलब तुमको लगता है तुम्हारे हिसाब से कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि डेरिवेशन पे? तो डेरिवेशन में जिसको डेप्थ नॉलेज, मतलब जैसे कि एक मेरा क्वेश्चन था वो मास डिफेक्ट वाला, तो उसमें बस प्रोटॉन और उसका लाइक एक एक दिया हुआ था और पूछा था अल्फा पार्टिकल का निकालने के लिए। तो प्रोटॉन तो उसमें दो होता, न्यूट्रॉन भी दो होता, मल्टीप्लाई होता उसमें फिर सॉल्व होता, नहीं तो ऐसा नहीं होता। फिर थोड़ा सा पढ़ने से वैसा मतलब कि वैसा पेपर नहीं आ रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादातर तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लग रहा था। हाँ लेकिन क्या है ना कि मतलब जैसे ये कुछ MCQs मतलब उसी से बनेगा जो पूरा साल पढ़ा है। हाँ ये तो मेरा MCQ तो सब अच्छा ही गया, मतलब ठीक ही गया। और केमिस्ट्री का कंपैरिजन में उससे अच्छा गया, लिख दिया बस वही अटके जो थोड़ा पढ़ के नहीं गए थे हम, एसी वगैरह ये सब एसी उसी में। हाँ बाकी सब तो ठीक ही लिखा। तो एसी का देखो हम देखे MCQ वाला बना था एसी का तुमसे, सिंपल पूछा था उसमें तो मेरे में तो अच्छा वो ओमेगा वाला। हाँ सर वो तो बन गया, तो वो तो पता था आपको, एक में उसका रेसिप्रोकल होता है एक में डायरेक्ट होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया था। मतलब तुम्हारे हिसाब से 2 महीना पढ़ के तो मतलब कोई ऐसा नहीं जिसका निकल जाएगा फिजिक्स 2 महीने में? ऐसा तो नहीं होगा सर, जो शुरू से पढ़ा है वैसे ही होता है। अब जैसे केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल जो एक बार में बनाया सॉल्यूशन का उससे नहीं बनेगा, हम अब पूरा साल से बनाए थे तो बन गया था वहाँ पे। हम तो इतना सिली मिस्टेक की सर, √2 में log2 का वैल्यू डाल के आए थे केमिस्ट्री में। अरे रे 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 √2 का वैल्यू तो ये 1.4 होता है, हम log2 लगा के सॉल्व किए जा रहा ही नहीं रहा। चलो तो आपको मेरा जो आपको क्वेश्चन पेपर भेजा उसमें तो MCQ टिक किया हुआ, ये देख लीजिएगा एक बार। हाँ हम देखे भाई, हम चेक कर रहे थे लेकिन एक तो गलत था। कौन सा क्वेश्चन नंबर बता देंगे, हम बता देंगे क्योंकि याद नहीं, लेकिन एक गलत था कोई भाई। हम तुम भेजी ना तो हम क्वेश्चन ही देख रहे थे। और तब बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए है ना? हाँ सर, PHE अब तो धमाका कर दोगी। अच्छा और बायो भी तो है ना? ठीक नहीं दिया बायो के लिए, हम लोग बस 2 दिन गैप दिया। अच्छा 7 दिन दिया, क्या करेंगे 7 दिन। तो बायो पढ़ो और क्या। हाँ सर बायो तो हुआ ही, हो जाएगा वो तो निकल जाएगा, जो मेन केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया। मतलब तुम्हारे हिसाब से फिजिक्स के लिए कंसेप्ट और हाँ, पूरा साल पढ़ाई ये 2 जरूरी है ना? जरूरी और थोड़ा डेप्थ नॉलेज होने से ऐसे आवे कर रहे नहीं हो जाएगा। हाँ कि अरे 2 महीने में। हाँ ठीक है तब है ना, बाय गुड नाइट बेस्ट ऑफ लक। गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये भी, मतलब कि आपको एकदम एग्जैक्ट रिएक्शन मिल रहा है मतलब कि किस टाइप का है ना, और मतलब कि कोई पहले कन्वर्सेशन नहीं हुआ आपको इसे समझ में तो आ ही रहा होगा। आप देखते हैं और लोग, अब एक लड़का से बात किया जाए। यहाँ पर एक लड़का है जो प्रणय नाम है, हालांकि इसका ICSE बोर्ड है, खैर उससे भी पंचम से हम लोग बात करें, ICSE वाला से लास्ट में देखा जाएगा, पंचम से बात करते हैं। पंचम एक बहुत मतलब कि नर्वस टाइप का रहता है, आप देखते हैं इससे बात करके पूछते हैं कैसा है। गाना देखिए गाइस इसका, बड़ा नर्वस रहता है क्लास में। हेलो। हाँ पंचम। हाँ? क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। कैसा गया एग्जाम बाबू? ठीक है, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, मतलब हार्ड था क्या पेपर? हार्ड लगा तुमको? हार्ड लगा। हाँ तो लेकिन जानता है जी, पूरा साल जो मतलब पढ़ा होगा ना उसी का अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से, 2 महीने वाला का तो नहीं है। क्या लगता है तुमको? अच्छा तुम जो प्रीवियस ईयर सब सॉल्व करा था उससे आया क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से? नहीं सर, प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आया। तुम्हारा कौन सा सेट था ऐसे? सेट 2 तो प्रीवियस ईयर था, सेट 2 में तुम्हारा कौन सा सेट था? मतलब सेट 2 था? नहीं 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 एक मिनट, तो हमको तो लगता है दूसरा सेट 1 मिला शायद हमको। हाँ रितिका जो है ना उसका सेट को वो हमको भेजी, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर, तो उसका तो ठीक ठाक क्वेश्चन लगा हमको। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मतलब कि थोड़ा अच्छा नहीं गया ना उतना एग्ज़ाम? और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में?
केमिस्ट्री का अच्छा गया था। ओ अच्छा, थोड़ा सा इसमें नहीं हुआ जनता है जी, मतलब कि थोड़ा तुम वो सब तो बनाया था प्रीवियस ईयर तुम तो, हाँ सर, लेकिन एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आ रहा था। याद ही नहीं आ रहा था। और स्कूल में जो करवाया था प्री बोर्ड और मॉक में, उससे उसका कंपैरिजन में कैसा रिपोर्ट था? हुआ ही नहीं होता, अच्छा, नहीं तो स्कूल में जो मॉक कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। कौन सा स्कूल था तुम्हारा? एल ए गार्डन। ओहो, इसीलिए कुछ नहीं करवाया। तो खैर, अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, ठीक है? अब भूल जाओ, अब मत सोचना, मतलब जैसा गया गया, ठीक है। अरे कभी कभी होता है, मतलब इंसान नहीं समझ पाता है तो गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, क्योंकि सेट सेट पे उतना भी डिपेंड नहीं करता है। एमसीक्यूज थोड़ा अलग था, जो स्टार्टिंग में हाँ सर, एमसीक्यूज रहता है एमसीक्यू ना, कर एमसीक्यू किए हैं पूरा, किया है? ओ अटेम्प्ट अच्छा सारा अच्छा क्वेश्चन किए, बस थोड़ा थोड़ा भूल गया सब। हाँ अच्छा अच्छा डेरिवेशन वेरिवेशन भूल रहा था क्या? जैसे सुशांत बताया कि सर डेरिवेशन ही भूल गए थे हम तो बीच में। सर, फिर भी लिख दिया कुछ ना कुछ। लिखा है? अच्छा, मतलब पास हो जाएगा ना। हाँ सर, मतलब पूरा साल पढ़ना चाहिए नहीं तुम्हारे हिसाब से? हाँ सर, पूरा साल का पढ़ाई ज़रूरी है। और ये NCERT, NCERT तो नहीं बनाया था? नहीं सर, हाँ कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर बनाया। प्रीवियस ईयर बनाया था ना। हाँ लेकिन क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर से भी आया था जी उसमें, समझा? थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है इसलिए। खैर कोई बात नहीं, है ना, ध्यान दो अब, है ना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, है ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ओके 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 ओके। तो गाइस थोड़ा सा इसका गया उतना अच्छा नहीं, क्योंकि देखिए गाइस अब ये डिपेंड नहीं करता, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, अब देखिए हम तो ये लोग को भी पढ़ा रहे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में शिरीन से बात हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब मेरे से सिर्फ, हमको लगता है कि रे ऑप्टिक्स तक पढ़ी थी, वेव ऑप्टिक्स तक, हाँ वेव ऑप्टिक्स तक, उसके बाद फिर वो छोड़ दी थी ट्यूशन। और जैसे ये रितिका थी, तो ये रितिका पूरा साल पढ़ी है, लेकिन क्या थी, थोड़ा मेहनती थी, अपने से खुद से एफर्ट डालती थी, तो इसलिए इसका ऐसा गया। और ये जो पंचम था, ये बस ट्यूशन आता था, बट घर में उतना एफर्ट नहीं डालता था, इसलिए ऐसा होता। तो आप समझ सकते हैं, लास्ट क्लास में थोड़ा एफर्ट लगा रहा था, बट मतलब उतना भी, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे हम कैसा पढ़ा रहे वो तो है ही, मैटर करता ही है, ऑब्वियसली टीचर मैटर करता है, ट्यूशन आपको जाना है, लेकिन फिर भी आपका भी एफर्ट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए एक काम करते हैं, ये बड़ा नर्वस था ये, एक काम करते हैं हम लोग एक और स्टूडेंट तृप्ति से बात करते हैं। ये उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब इन द सेंस कि ठीक थी पढ़ने में, बट थोड़ा सा लास्ट लास्ट तक में उतना अच्छा नहीं, मतलब परफॉर्म कर पा रही थी, मतलब घर में नहीं पढ़ती थी कुल मिला के। तृप्ति उतनी अच्छी स्टूडेंट थी, रितिका अच्छी स्टूडेंट थी, है ना? तृप्ति से बात करते हैं, अब देखिए उसका कैसा गया एग्ज़ाम। गाना गाइस सुनिए आप, सबका खतरनाक है। गाना खतरनाक है, जिसका नाम तृप्ति है सर। अब पढ़ती थी ठीक ठाक, एवरेज एवरेज स्टूडेंट। शायद ना उठाए। नहीं उठाए। अब देखिए गाइस कॉल नहीं उठा रहा है, खैर क्या ही बोला जाए। नेक्स्ट देखिए, मतलब कॉल किसी तरह से रात भी हो गई, से 9 भी बज गया है, उससे कोई मतलब नहीं। देखते हैं कोई और, एक और किसी को, उर्वशी, उर्वशी एक और है, श्रेया, इससे एक बार पूछा जाए। ये भी श्रेया भी पढ़ती थी, ये मतलब मेरा जो स्कूल ऑक्सफोर्ड था ना, वही ऑक्सफोर्ड स्कूल में ही थी ये, मतलब जो हम स्कूल से जिस स्कूल से पढ़े वही सेम स्कूल से ये भी पढ़ी है। देखते हैं अब कैसा गया, इस स्कूल का स्कूल बहुत अच्छा है, मतलब भी जो स्कूल में थे स्कूल अच्छा है, देखते हैं कैसा। ये भी ठीक थी, एवरेज स्टूडेंट ठीक है, मतलब उतना भी जोरदार नहीं, ठीक ठाक, घर में एफर्ट नहीं डालती थी। हाँ PCM था इसका, देखते हैं कैसा गया पेपर। अच्छा, ये जो शिरीन और श्रेया है, दोनों सेम स्कूल में, सेम स्कूल के स्टूडेंट रही है, मतलब दोनों श्रीन और श्रेया दोनों, देखते हैं कैसा गया। कॉल उठाएगा इस तब ना। नहीं उठाए, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। उर्वशी, उर्वशी केंद्र विद्यालय की, एक्चुअली केंद्र विद्यालय स्कूल, इसको देखते हैं इसको, ये मतलब कि मतलब बायो PCB है इसका, और उतना एफर्ट नहीं डालती थी घर पे, ट्यूशन पे ठीक पढ़ती थी लेकिन घर पे एफर्ट नहीं लगाती थी। हाँ इसका देखते हैं, थोड़ा डरी हुई भी थी गाइस, बहुत डर लग रहा था इसको एग्ज़ाम से पहले, देखते हैं। शायद ना उठाए, ना उठा, क्योंकि शायद रात वक्त भी हो गया, इसलिए भी क्वेश्चन पेपर सब भेज रहा है ऐसे। एक काम करते हैं कि और तो लोग को करना है ऐसे कॉल,
मतलब एक लड़का एक लड़की ऐसे बात करते हैं, हाथ ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे ही चला रहे हैं। एक और लड़की जो मेरे से ट्यूशन पे पढ़ती थी उससे वो बात करते हैं। खुशबू ऐसा है मतलब कि ये ठीक है एवरेज स्टूडेंट है थोड़ा सा, मतलब लेकिन हाँ अपना भी मतलब एवरेज स्टूडेंट है। ये भी केवी केंद्रीय विद्यालय के से बात किया जाए, आपने देखते जिस व्यक्ति को कॉल किया है बिजी आ रहा है वो अभी दूसरे कॉल पर, कॉल बिजी आ रहा है इसका, दूसरा किसी से बात करते हैं। एक बार बात करते हैं, एवरेज ही स्टूडेंट अभी खोज रहे हैं हम। एक और स्टूडेंट है जो हमको लगता है जो जिसका अच्छा जाना चाहिए पेपर, जो अच्छा अच्छा डाउट्स भेज रही थी उससे भी हम लोग बात करेंगे। और देखते हैं देखा जाए, और है ना एक है शिखा, ये बड़ा तेज़ है पढ़ने में, केवी की है बहुत तेज़, इससे बात करके देखते हैं, बहुत तेज़ है पढ़ने में। गाना तो गाई सबका खतरनाक, शायद रात है इसलिए कोई उठा नहीं रहा फोन। ऐसे 9 बज गया, नहीं दे रहे, लेकिन ये तेज थी बहुत पढ़ने में ये शिखा। डाउट्स इसका मतलब अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले मेरे से ये पूछ रही थी कि सर कौन सा डेरिवेशन आएगा ये बताइए, ये अच्छा अच्छा डाउट्स पूछ रही थी मेरे से। हाँ ये चीज़ अच्छा था इसमें कि अच्छा अच्छा सही सही डाउट्स पूछ रही थी, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मतलब तेज़ थी पढ़ने में, स्टार्टिंग से ही तेज़ थी। तो इसका एफर्ट है, मेरा कोई कुछ खास उतना बड़ा कोई रोल नहीं प्ले होता है। ठीक है तो देखते हैं अभी और जिससे बात किया गया। और किससे बात किया जाए जिससे आपको समझ में आए यार, जिससे मतलब कि आपको क्लियर हो जाए। आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा ऐसे आपको, लेकिन फिर भी और लोग से बात करेंगे तो आपका और थोड़ा दिमाग ठीक ठाक चलेगा, है ना। एक है और स्टूडेंट है, दानिया नाम है उसका, वो भी एवरेज ही है। उससे पूछते, वो थोड़ा डरी हुई थी, उसका केमिस्ट्री का भी अच्छा अच्छा पेपर किया, अभी पूछते चली आइए कैसा गया। फोन किसी का गाना देखिए गाइस, फोन को उठाए तब ना आप जिस व्यक्ति को, नो रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं आगे देखते हैं हम लोग और कोई। और किससे पूछा जाए, एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा गया। प्रणय से पूछते हैं एक बार, प्रणय एक ऐसा ICSE का ऐसे स्टूडेंट है, चलिए देखते हैं इससे पूछते हैं एक बार और कैसा गया एग्ज़ाम। प्रणय फ़ोन तो उठाएगा, अभी तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, बहुत लोग नहीं उठाया फ़ोन, फिर भी लगता है एग्ज़ाम के बाद शायद सब थक गया होगा। हेलो, हाँ प्रणय, एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया सर। अच्छा गया, पेपर कैसा आया था, हार्ड इजी? इजी था सर। इजी था, सही बोल रहा है कि ऐसे ही बोल रहा है? अरे सही था सर, इजी था, मतलब एक डेरिवेशन था, एक इक्वेटोरियल पॉइंट वाला था, हाँ। वो एक्चुअली हम याद नहीं था, हम फिगर एक्सेल पॉइंट किया आगे। अच्छा तो CBSE का तो ऐसे बड़ा लॉजिकल और बड़ा हार्ड आया पेपर, मतलब हार्ड ऐसे बोल रहा है तो हार्ड तो ऐसे। तो लॉजिकल हम लोग का 10 ईयर से दिया हुआ था। ओह अच्छा अच्छा 10 ईयर्स का था सारा। अभी सबसे पूछ रहे हैं तो किसी किसी का तो बहुत बोल रहा है कि सर इतना कंसेप्चुअल था, मतलब जो पूरा साल नहीं पढ़ा होगा उसका अच्छा नहीं होगा। तुम लोग का मतलब इजी आया। और वो भी बोल रही थी, क्या नाम है उसका, अनुपमा, वो भी ICSE है ना, वो भी बोल रही थी कि सर फिजिक्स का पेपर तो बड़ा मतलब ईजी आया, हम तो आराम से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ऐसे ऐसे बोल तो रही थी। वो तो उतना अच्छा से पढ़ती भी नहीं थी फिर भी बोल रही थी मतलब ईजी आया पेपर हो शायद, है ना। और केमिस्ट्री का कैसा गया? तो बस डेरिवेशन में वही हम गलत कर गए हैं, इक्वेटोरियल लिखना था तो एक एक्सेल पॉइंट लिख के आ गए। और ये क्या बोलते, केमिस्ट्री तुम्हारा एग्जाम हो गया केमिस्ट्री का ICSE का? हाँ सर केमिस्ट्री हो गया। कैसा गया केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में अच्छा था सर। अच्छा था। फिजिक्स लेकिन ज़्यादा अच्छा गया। फिजिक्स ज़्यादा अच्छा गया उससे, हाँ।
चलो अच्छा है, तुम लोग लगता थोड़ा सा इजी दे दिया होगा, लेकिन सीबीएसई में तो डेरिवेशन ही गायब कर दिया सारा। डेरिवेशन लोगों को बहुत दिया, डेरिवेशन लेकिन बहुत कम डेरिवेशन दिया, समझा। और अब नेक्स्ट एग्जाम किसका है? अब तो सर पीएचई बचा है बस। पीएचई बचा है, अच्छा। अब मैथ्स का हो गया? हाँ सर। अच्छा हो गया, कैसा गया वो मैथ्स? मैथ्स ठीक था सर, लेकिन ठीक था, मतलब तीनों में से मैथ्स सबसे बेकार गया। मैथ्स सबसे बेकार गया, फिजिक्स सबसे अच्छा गया, बाप रे बाप। तो ऐसा ही कर रहा है क्या तुम, जो मैथ्स का टीचर फोन किया तो उसको बोल देगा मैथ्स सबसे अच्छा गया, केमिस्ट्री का फोन किया तो केमिस्ट्री सबसे अच्छा गया, फिजिक्स का फोन किया तो फिजिक्स सबसे अच्छा गया? ऐसा नहीं ना कर रहा है? नहीं सर, मतलब सही अच्छा गया। चलो तब बेस्ट, तब वो क्वेश्चन पेपर एक बार भेज दो तो जरा देखते हैं, है ना। सेट सेम रहता है कि सेट पे रहता है? इसी में सेट्स पे आता है क्या क्वेश्चन? अलग अलग सेट रहता है? अच्छा अच्छा अच्छा, होम सेंटर था कि ये सेंटर दिया था कहीं अपने? होम सेंटर था कि सेंटर दिया था कहीं? होम सेंटर था, आईसीसी में होम सेंटर ही होता है। तुम्हारे ही स्कूल में एग्जाम हुआ ना? चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फिर, है ना, देखते हैं अब रिजल्ट, देखो क्या आता है ना। ठीक है, ओके ओके, बाय, गुड नाइट। तो इसका एक डिसेंट रिप्लाई था, हालांकि ये उतना मतलब एबसेंट बहुत करता था ये ट्यूशन, रेगुलर कभी भी नहीं आता था, फिर भी अब देखिए इसका तो ठीक कहना है इसका कि ठीक आ गया सर ऐसे वैसे, देखते हैं अब। और एक सलोनी है, अब देखिए सलोनी से बात करते हैं, फ़ोन उठाए तब, क्योंकि ये लोग जो ट्यूशन का बच्चा लोग है वो लोग से उतना अच्छा कोऑर्डिनेट मतलब नहीं बन पाता कोऑर्डिनेशन, फिर भी पूछते हैं। गाना लगा हुआ है, कॉल उठाए तब। हेलो हेलो, हाँ सलोनी, फोड़ दी कि फूट गई? फूट गई, फूट गई। अरे सब तो बोल रहा है कि मतलब पेपर बहुत हार्ड आया ऐसे वैसे, और तो नहीं गया। अरे केमिस्ट्री से कंपैरिजन में? कंपैरिजन में थोड़ा सा उससे ठीक गया, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो तुम्हारा कौन सा सेट था ऐसे? मेरा सेट टू। सेट टू, बट तुम तो यार पूरा साल पढ़ी थी, मतलब खुद नहीं पढ़ी थी, ये दिक्कत है, खुद नहीं पढ़ी पढ़ी थी तो फिर भी। प्री बोर्ड मॉक से मैच किया कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वही बोल रहा है कि जैसे सुशांत से भी बात हुआ तो बोलता सर सब डेरिवेशन भूल गए थे जाके, हम तो डेरिवेशन आया ही कहाँ था। वही ना, नहीं तो एक इतने एक नहीं आया था, तीन डेरिवेशन था हर सेट पे, वही तीन था, लेकिन वैसा डेरिवेशन नहीं था कि मतलब एकदम दे दिया बोला प्रूफ करो, उस टाइप का नहीं था पहले जैसा, थोड़ा चेंज कर दिया। और एमसीक्यू बना था तुमसे स्टार्टिंग का जो 18 एमसीक्यूज था? एमसीक्यू तो मेरे को एमसीक्यू देख के मुझे लगा कि पेपर इजी होगा, लेकिन अंदर देखी तो इतना गंदा था। एमसीक्यू वही मतलब केमिस्ट्री का कंपैरिजन में आसान था ना एमसीक्यू? हाँ। लेकिन अंदर थोड़ा पेपर लॉजिकल था, मतलब मतलब लॉजिक लगाना था उसमें थोड़ा, इसीलिए। तुम्हारा सेट कौन सा बोली? टू। सेट टू था, अच्छा अच्छा अच्छा, सेट टू में तो वो अच्छा, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो सबका बना था क्वेश्चन जो थ्योरी वाला पूछा था कि, वो भी नहीं भूल गई थी? कुछ कुछ जो आया था सब बना दी। अरे अरे हम समझ गए तुम्हारा, समझ गए समझ गए तुम्हारा, समझ गए। एक तो हम अभी एक को फ़ोन किए थे तो वो बोली कि सर बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम ऐसे वैसे, हम तो पेपर सोचे थे। कौन थी वो, कहाँ से आई थी? रितिका से भी बात हुआ था फिर मैं बाद में, एक लड़की थी ऑक्सफोर्ड की, उससे बात हुआ, ऑक्सफोर्ड की एक लड़की थी उससे बात हुआ तो बोल रही बहुत अच्छा गया। रितिका से पूछे तो वो बोलती है कि ये क्या बोलते हैं सर, मतलब कि अंदर में थोड़ा हार्ड था लेकिन एमसीक्यू तो सारा बन गया, बोल रही थी। एमसीक्यू तो मैंने भी बना दिया लेकिन मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे को अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, अभी बायो का पेपर देना। अच्छा हाँ हाँ, नेक्स्ट वाले के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, खैर कोई नहीं भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं इससे, नेक्स्ट वाला पेपर के लिए जो भी बायो का उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, जो मार्क्स आएगा उसको देख लिया जाएगा क्या है, है ना। मेरा खुद फिजिक्स में सबसे मतलब बायो और मैथ्स के कंपेरिजन में फिजिक्स में सबसे कम आया था, फिजिक्स में मेरा सबसे कम मार्क्स था ना, उसके बावजूद फिजिक्स का ही देखो टीचर बने, तो टीचर प्रोफेसर जो भी बोल लो एडुकेटर। आपका तो 97 आया था फिजिक्स में? नहीं नहीं नहीं, 94 था यार, 97 कौन बोल दिया तुमको? अच्छा तो 94 कम है क्या? नहीं तो फिर देखो उस सबके फिर भी आज फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं ना, तब सोच लो वही चीज़ है। मैं प्री बोर्ड में, पता है तुमको प्री बोर्ड का मार्क्स नहीं, मेरे प्री बोर्ड में 37 आया था फिजिक्स में, ठीक है 37 में आया था, तो और पूरा 100 में 37 आया था,
100 बोलते सॉरी 1737 आया था आई मीन। तो उसके बाद भी देखो फिर आज भी फिजिक्स पढ़ा रहे, तो वही चीज़ है कि तुम कोई मार्क्स जो आता है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं, बस है कि तुमको सब्जेक्ट का कितना ज्ञान हो, कोई भी चीज़ का, जो हॉबी कर रही हो जैसे डांस करने जा रही हो, अच्छा डांस नहीं कर पा रही हो कोई बात नहीं, सीख जाओगी एक ना दिन, वही है कि उसको मत सीरियसली सोचना मत यार पीछे वाला है ना, क्योंकि तुम्हारा बात से हमको लग रहा है धीरे धीरे बात कर रही हो है ना, कोई नहीं चलो होता है ना। लेकिन तुम पढ़ती थी यार पूरा साल आई मीन, मतलब ट्यूशन व्यूशन तो आती थी, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ना प्रीवियस ईयर बनाना था मेरे हिसाब से तब होता, हाँ हमको यही लग रहा है। प्रीवियस ईयर से हाँ। क्वेश्चन अलग बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसमें डाल दिया था मसाला अलग से, थोड़ा ज़्यादा था ये हम मानते एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़, थोड़ा सा अलग था, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर बनाती ना तो अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, अब बायो का अच्छे से तैयार करो, बेस्ट ऑफ लक है ना, ठीक है गुड नाइट बाय। तो देख लिए गाइस आप, खतरनाक मतलब पेपर गया सबका, मतलब कि आप समझ सकते हो ना जो पढ़ा है पूरा साल। देखिए ये सलोनी भी ठीक थी पढ़ने में, लेकिन क्या है ना कि मतलब खुद से जो होता है ना एक अलग से टाइम देना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना, वो करती होगी बट फिर भी थोड़ा सा मतलब और करना चाहिए था, मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब हम ये नहीं बोल रहे मेरे से तो हर कोई पढ़ा है, लेकिन डिपेंड करता है मेरा क्या पढ़ाने से उतना असर नहीं पड़ता है, आप कितना एफर्ट डालते ये इंपॉर्टेंट है, और पूरा साल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे ध्यान रखिएगा, पूरा साल पढ़ना और सैंपल्स बनाना, 3 सैंपल बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आगे हम लोग देखते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करना मतलब एक पूरा क्वेश्चन पेपर बनाना ना बार बार, कम से कम 10 क्वेश्चन। देखिए जो शिरीन थी ना उससे बात अब रियली बताते हैं, हम शिरीन से जब बात हुआ था तो शिरीन हमको ऐसा बोल रही थी कि सर हम 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो अब वो सच बोल रही थी तभी उसका एग्जाम अच्छा गया, ऐसा बोल रही कि अच्छा गया, तो यानी वो 10 सैंपल पेपर पक्का बनाई होगी तभी उसका एग्जाम अच्छा गया, तो सैंपल पेपर सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर हम पूछना भूल गया सबसे कि सैंपल पेपर बनाया था कि नहीं, अब देखते हैं और कोई बचा है तो, ऐसे तो नहीं कोई दिख रहा है ऐसा कुछ खा, ऐसे स्टूडेंट्स तो बहुत सारा है, लेकिन जिससे आपको ऑनेस्ट मतलब रिव्यू मिल सके और रिप्लाई मिल सके उसी से हम लोग बात करेंगे। तो अब देखते हैं एक स्वाति है उससे बात किया जाए, पूछते हैं स्वाति एक है स्टूडेंट उससे बात करते हैं, और भी है अभी देखते हैं एक, अब एक बच्ची को देखते हैं जैसा स्वाति नाम है। ये बीच में ट्यूशन छोड़ दी थी बट देखते हैं। हेलो हेलो, अरे लगता है कि गाइस कहीं गलती से कहीं और लग गया, लगता है गलती से कहीं और लग गया, तो खैर कोई नहीं हम लोग और दूसरा देखते हैं, आपको ये स्टूडेंट बचा हो जिससे आपको रिव्यू मिल पाए। सौरभ एक ठीक था कुछ रिव्यू देता, फिर अभी पढ़ने में ठीक नहीं था, मतलब जो पढ़ा यार ठीक से पूरा साल मेहनत किया उसी का मार्क्स आ रहा है, दैट्स ऑल, बस हम यही बोलेंगे जो मेरे हिसाब से ना जो 10 सैंपल पेपर बनाया ना उसी का मार्क्स आया, उसका फ़ोन है। हेलो, ये फिर वही नंबर रॉन्ग नंबर से लग गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और किसी का किसी से और पूछा जाए, एक स्टूडेंट है निधि, इससे पूछते हैं, निधि लास्ट एक बच रही है, और ऐसे बॉयज़ में तो कोई अगर हम देखें तो बॉयज़ में कोई ऐसा दिख जाए, अविनाश एक था बट उसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, उसका तो कॉल ही मतलब ये बोल रहा है नहीं हो रहा है, वैसे स्टूडेंट तो बहुत है बट जो आपसे सही रिव्यू जिससे मिल पाए आपका उससे हम बात करवाएंगे आपको, सही जिससे रिव्यू मिल जाए एकदम करेक्ट उससे बात करवाएंगे आपको, है ना, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए थोड़ा आइडिया लगे उससे ही बात करवाएंगे। एक अमीशा भी है, पहले एक निधि से बात करते हैं, अभी गर्ल्स लोग ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए बायोलॉजी का स्टूडेंट है ज़्यादा, तो मतलब गर्ल्स लोग थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है निधि से एक बार बात करते हैं, निधि भी केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट है, मतलब वो सलोनी और ये सबकी फ्रेंड ही है, पूछते हैं, ये भी ठीक ठाक पढ़ती थी, एवरेज टाइप की थी, मतलब एवरेज उतना मेहनत नहीं करती थी, फिर भी पूछते हैं कैसा गया। अब जो कॉल नहीं उठा रहा है गाइस तो उसका तो ऊपर तो नीचे पता नहीं चल सकता है, क्या ही बोलेंगे। एक लास्ट और ट्राई किया जाए, और किससे पूछा जाए, नीतू एक है स्टूडेंट जो थोड़ा नर्वस थी, इससे पूछते हैं, ये भी केवी की ही स्टूडेंट है केंद्रीय विद्यालय की, तो इससे भी पूछते हैं। गाना सब खत्म। हेलो हेलो, हाँ नीतू कैसा गया एग्जाम? एग्जाम ये
ठीक ठाक अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं सर, न्यूमेरिकल ही नहीं हुआ था, बनी नहीं रहा था न्यूमेरिकल। नहीं, बाकी 5 क्वेश्चन वाले सारे कर लिए थे। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। अच्छा उसका नहीं हो रहा था। और ये क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन सब हो गया था? डेरिवेशन कुछ कुछ ही बात है, थोड़ा बहुत भूल गई थी मैं, भूल गई थी बीच बीच का। अच्छा हाँ। तुम ये बताओ हमको कि तुम सैंपल पेपर जो हम बोले थे 3 बनाने के लिए बनाई थी, सच सच बताना। नहीं नहीं ना, इसीलिए देखो हम जितना लोग से बात किए ना, बहुत लोग से भी हम बात किए हैं, तो जितना लोग से बात किए हैं मतलब अच्छा स्टूडेंट और जैसे जो पूरा साल पढ़ा उससे भी मतलब नहीं, मतलब हमको यही कुल मिला के समझ में आया कि जो सैंपल पेपर्स बनाया ना कम से कम 3। अभी जैसे एक लड़की से बात किए थे, उसका नाम था शिरीन, तो वो 10 सैंपल पेपर्स सॉल्व की थी मेरे से पढ़ती थी। तुम लोग जैसे तो ऑनलाइन तुम लोग को पढ़ाते थे ना, तो वो भी ऑफलाइन पढ़ती थी, तो वो 10 सैंपल पेपर्स वो सॉल्व की थी, तो इसलिए उसका एग्ज़ाम अच्छा गया फिजिक्स का। और बाकी और भी लोग से बात किए, रितिका एक किसी किसी से बात किए, तो जो लोग सैंपल पेपर बनाया था वही लोग का अच्छा गया, मतलब कम से कम 3-4 सैंपल पेपर्स, और जो सिर्फ पढ़ाई किया था उसका अच्छा नहीं गया यार, तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत टेंशन वाला बात नहीं है ना इसको लिए। और केमिस्ट्री का कैसा गया था? इससे बेटर गया था केमिस्ट्री का। अच्छा ठीक है, तो तुम अब ये अब भूल जाओ, अब ज़्यादा मत ध्यान दो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी हुआ भूल जाओ, अब जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है उस पर ध्यान दो, है ना। मेरा तो खुद प्री बोर्ड में 37 मार्क्स आया था फिजिक्स में, उसके बाद फिर बोर्ड्स में अच्छा 94 आया था मार्क्स, ठीक है। तो खैर अभी देखो फिजिक्स फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, प्री बोर्ड में सोचो मेरा 37 आया था, फिर भी अभी फिजिक्स ही पढ़ा रहे है ना, तो वही चीज़ है कि मार्क्स क्या आएगा उससे कोई मैटर नहीं, कोई मतलब ही नहीं मार्क्स से। तो अब ये छोड़ दो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ। अब तुम्हारा बायो है ना इसके बाद शायद, पीएचई फिर बायो, हाँ तो बायो पे अब ध्यान दो, जो हुआ भूल जाओ, और अच्छा मार्क्स आ जाएगा आराम से, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा, मतलब एडमिशन्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए अपने एकदम टेंशन मतलब भूल जाओ एकदम, उस पेपर को याद करोगी, हम तो ऐसे ही पूछ लिए कि मतलब कैसा हुआ क्या हुआ, याद करोगी तो दिक्कत होगा फिर, ठीक है। उसको एकदम भूल जाओ, एकदम जो गया जैसा गया, अब छोड़ दो उसको, मत सोचना, ठीक है। हाँ अब आगे वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, उसके उस पर ध्यान दो कि हमको उसको फोड़ के आना है। अगर बायो में भी तुम्हारा अगर 90+ मार्क्स आता है या फिर 90 के अक्रॉस, तो वही तुमको मोटिवेट कर देगा कि अरे यार इसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया है ना, तो वही इस पर ध्यान दो अब बायो पे। और थोड़ा सा क्या करना ना, बायो को भी जैसे कि पहले रिवाइज करने वाला तुम जल्दी जल्दी कर लेना 2 दिन में, उसके बाद बाकी जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा ना उसमें सैंपल थोड़ा बनाना, सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बायो का। सर 5 सैंपल पेपर करके जाऊंगी। हाँ करके जाना बाबू, हाँ हाँ, तब तुम्हारे लिए क्या होगा ना, तब तुमको ना तरीका समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे आता है, पढ़ तो ली। टाइम भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, आते जो आ रहा था क्वेश्चन वो भी छूट जाएगा ऐसे में तो। टाइम के टाइम मतलब एकदम तुरंत तुरंत पार हो रहा होगा ना, एकदम ऐसा लग रहा हो, एकदम एकदम 2 घंटा पता ही नहीं चला। मतलब देखो पेपर तो आ रहा है थोड़ा सा लॉजिकल, अब देखो पहले क्या होता था ना, हम आज से बहुत पहले का बता रहे हैं, कम से कम 3-4 साल पहले का, कि डेरिवेशन दे देता था। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला लिख दिया वहाँ पर, बोलेगा इसको बस ड्राइव कीजिए, और डेरिवेशन का नंबर बहुत सारा रहता था, बहुत सारा, मतलब कम से कम 5 डेरिवेशन तो पक्का रहता था, 5 से 6 डेरिवेशन। लेकिन अब क्या है कि डेरिवेशन को एकदम रिड्यूस कर दिया, मतलब देख रही हो 3 सिर्फ मात्र डेरिवेशन आया। हाँ वही चीज, हाँ हाँ वही ना, वो हमेशा आता था और इस साल पूरा उसको गायब ही कर दिया, मतलब उसका चांसेस 100% था कि आता ही था, और हम भी इसलिए लिख के दिए थे कि आएगा ही, लेकिन फिर देखो नहीं आया। तो वही चीज़ है यार कि सैंपल बनाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब भूल जाओ उसको, जो हुआ सो हुआ, आप हटाओ है ना, बायो पे एकदम ध्यान दो अच्छे से है ना, उसका भी वैसे ही मतलब उसी टाइप का, मतलब लेवल तो उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन हाँ वही है कि बना के थोड़ा सा जाना, नया मत पढ़ना यार है ना, नया कुछ मत पढ़ना। मैं सब बारे में सब पढ़ रखा है मैंने पहले से ही, सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो सैंपल ही बनाओ तब अच्छा रहेगा। और स्कूल में जो प्री बोर्ड मॉक हुआ उससे कोई फायदा हुआ? नहीं, उससे कुछ नहीं आया? नहीं, मतलब जो फिजिक्स का, हाँ हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर आया था बस। हाँ स्कूल में जो प्री बोर्ड मॉक हुआ मतलब उसके बता रही हो? हाँ तुम्हारा कौन सेट था? हम जितना लोग से पूछा ना सब वही बोल रहे कि सर स्कूल में जो प्री बोर्ड मॉक लिया था उससे तो बड़ा ही मतलब अलग ही आ गया था, मतलब एकदम स्कूल का इजी था इससे। मतलब 40-50 तो आराम से ऐसे आ जाते, स्कूल वाला टाइप होता तो। हाँ हाँ स्कूल वाला मतलब इजी आया कंपैरेटिवली। वही है यार, खैर कोई नहीं,
अब तुम वही ध्यान दो, सैंपल ही बनाओ। अब तुम बोल रही हो कि बायो कंप्लीट है, तो तुम्हारा सैंपल ही एकदम बनाओ अच्छे से, उसका सैंपल पेपर कम से कम 5 बनाओ तो एकदम बहुत अच्छा है, 5 में तो एकदम खतरनाक कर दोगी। ठीक है, उसको बनाओ, है ना। अब हाँ हाँ है ना, अब भूल जाओ उसको, पीछे भूल जाओ जो हुआ। PHE का है ना बीच में एग्ज़ाम, हाँ हाँ हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, है ना। ठीक है तब, है ना, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, ओके ओके। तो गाइज देख रहे हैं, ये मतलब एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था, मतलब कैसा एग्ज़ाम जाता है रियली। तो नहीं पढ़ने से गाइज नुकसान तो है ही, बहुत नुकसान है। और ये देखिए, आपको अब ये भी पता चल गया कि ये सैंपल पेपर नहीं सॉल्व किया, तो बाकी जो लोग से भी हम बात किए ना, वो लोग नहीं ही सॉल्व किया था सैंपल पेपर। वो लड़की शिरीन अलग से बोली कि हम सॉल्व किए हैं सर सैंपल पेपर, इसलिए शायद उसका अच्छा गया एग्ज़ाम। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप, इससे ऑनेस्ट रिव्यू आपको अब नहीं मिल सकता। एक लड़की बची अमीषा, इससे पूछ लेते हैं लास्टली, है ना, देखते हैं अगर ये टाइम तो ऐसे बहुत कम बचा है। अमीषा भी मतलब एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, हालांकि मेरे घर पे ही आती थी पढ़ने के लिए, लेकिन एवरेज थी, एकदम एवरेज। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार काम, एक बार ऐसे हमसे शिखा से हमको उम्मीद था, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है, फ़ोन उठा रही, तो खैर मतलब कि वो अच्छे से पढ़ी, मतलब सैम्पल पेपर्स भी अच्छे से बनाए, इसलिए हमको उससे उम्मीद है शिखा से, उसका भी अच्छा गया होगा, 100% उसका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब देखिए वही चीज़ है ना कि हमको वो खुद सैम्पल बनाए, ऐसा तो नहीं कि मेरे से पढ़ ली वो तो खुद सैम्पल बनाई, तो उसका खुद अच्छा हुआ। वही से मेरे से वो थोड़ा सा पढ़ी, मतलब कि कम से कम 5-6 चैप्टर्स पढ़ी होगी पार्ट 2 बुक का, है ना। अच्छा एक बार हम ट्राई करते हैं, खुशबू वाले में जो नहीं लग रहा था इसको ट्राई करते हैं। ये खुशबू कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ खुशबू, कैसा गया एग्जाम? ठीक गया? क्या बोल रही हो? ठीक ही था गया। ठीक ही था, उतना अच्छा नहीं गया। केमिस्ट्री का कंपैरिजन में कैसा गया? केमिस्ट्री जैसा गया। केमिस्ट्री जैसा चल गया। अरे अच्छा, अभी हम तो तुम अच्छा, हम जो तुमको बोले थे कि 3 सैंपल सॉल्व करने, वो की थी? नहीं की होगी ना, ऊपर। हाँ वही है ना, पता है हम बहुत लोग से अभी बात किए हैं, बहुत लोग से बात किए हैं, सब लोग मतलब कि जो लोग सैंपल जो लोग सॉल्व किया था ना, जैसे एक लड़की को बोले थे वो 10 पूरा बनाई सैंपल, और एक और जो सैंपल सॉल्व किया था उसी का अच्छा गया। और डेरिवेशंस भी देखिए ना, गायब था एकदम डेरिवेशंस ना। डेरिवेशंस तो इतना सारा मैं पढ़ के गई थी, डेरिवेशंस आए, इतना ज्यादा मेहनत की डेरिवेशंस में, सिर्फ अच्छा तो थोड़ा फॉर्मूलाज ये सब क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेती गई सारा का। पार्ट 2 का भी हमको ज्यादा क्वेश्चंस दिखा है। हां गॉस थ्योरम सर आपको मिला होगा, मेरे को थर्ड सेट मेरा था। अच्छा तुम्हारा थर्ड था? नहीं नहीं थर्ड सेट हमको नहीं मिला, भेज देना। अच्छा क्या कर रही है? गेस्ट टाइम। तो और ये क्या बोलते हैं, मतलब तुमको क्या लगता है, मतलब पूरा साल पढ़ना चाहिए या मतलब 2 महीना पहले हो जाएगा? नहीं पूरा साल ही पढ़ना चाहिए। सैंपल यार, सैंपल हमको लगता है सॉल्व वो। और ये तुमसे न्यूमेरिकल बना था वो सब कंपाउंड और ये सब का, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी सब? हमको तो कोई कोई ऐसा बोल रहा है कि सर बीच में ही डेरिवेशन भूल गए थे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? हाँ मैं तो भूल गई थी, ये क्या बोलते हैं, एक डेरिवेशन भूल गई थी और फॉर्मूला भी भूल गई थी डर के। नीतू से मेरा बात हुआ, बोली कि सर बहुत ज्यादा, क्या बोल रही, क्या बोल रही हो? पेपर लेकिन मेरे को हार्ड लगा, मैं सैंपल पेपर भी देख कर गई थी तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था वो सब सैंपल। और स्कूल का केवी का सैंपल पेपर इजी रहता था, फिर बीस के मुकाबले मुझे बहुत हार्ड लगा पेपर। वाह तुमको पता है एक, हाँ बहुत एक हमको नीतू बोली कि सर टाइम ही नहीं था, टाइम ही मतलब 2 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, मेरे को भी पता नहीं चला। लास्ट में बेल बजा तो मैम बोली कि बस इतना टाइम है, इतना जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत लिखी, मैं तो कितना सारा एमसीक्यूज भी नहीं की थी, जल्दी जल्दी कुछ भी लिखी बोलो। अरे यार तुम्हारा तो बड़ा खतरनाक चल गया तब तो, ओह माय गॉड। खैर अब जो है बायो ही बचा है, अब उसी में तुम कुछ करो, मतलब आई मीन अच्छा लाओ। पता है तुमको मेरा प्री बोर्ड जो हुआ था ना, प्री बोर्ड में मेरा आया था 37 मार्क्स, ठीक है, उसके बाद बोर्ड में आया था हमको वो 94 आया था फिजिक्स में, तो मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रही हो आप, कैसे पढ़े थे कि प्री बोर्ड के बाद इतना अच्छा गया?
हम सिर्फ जो मतलब डेरिवेशन नहीं पढ़ते थे, हम सिर्फ वो कंसेप्ट और ये सब में इंटरेस्ट एकदम ले लेके खूब पढ़ते थे वो सब। तो डेरिवेशन भी लास्ट में पता चला यार डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में। तब फिर क्या हुआ कि डेरिवेशन अच्छा से किए, इलेवंथ अच्छा था मेरा एक्चुअली, मतलब इलेवंथ से वैसे कोई खास मतलब नहीं, लास्ट में मतलब डेरिवेशन को बस कर लिए तो हो गया, अच्छा मार्क्स आ गया। तो वही हम बोल रहे हैं यार देखो आज फिजिक्स ही चल रहे हैं, फिजिक्स का ही प्रोफेसर बनना है। तो अब वही चीज़ है कि मार्क्स क्या आता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब सोचो स्कूल वाला 37 मार्क्स हमको दिया था, पता नहीं क्या सोच के 37 मतलब आया था वो सोच के, तो वो लोग क्या सोच रहा होगा मेरे भाई, उसको तो कुछ नहीं आता है, उसके बावजूद भी आया ना। तो वही चीज़ है कि कोई मतलब ही नहीं है मार्क्स से, कोई मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन पेपर हार्ड आया ईजी आया उससे थोड़ा। हाँ लेकिन एक चीज़ है कि सैम्पल पेपर यार मतलब बनाना चाहिए था। हम अभी भी बोलेंगे ना तुम बायो का भी हल्के मत लेना, बना के ही जाना सैंपल पेपर का। हाँ सैंपल पेपर वही हम बोले थे ना यार कि बैठ के अच्छे से एकदम ये करके बनाने हैं, ये नहीं कि ऊपर मतलब लेकिन एक चीज बस हमको लगा एक्सेप्ट करते हैं, हमें डेरिवेशन बड़ा गैप कर दिया। मैं डेरिवेशन इतना मैं पढ़ के गई थी, सबसे ज्यादा मैं डेरिवेशन में मेहनत की थी क्योंकि फिर स्कूल वाले सर भी बोलते कि इतना ये लोग रटवाए तब भी नहीं ये लोग करे डेरिवेशन गैप। और वो सर हम सुने थे कि तुम्हारे स्कूल वाले सिर्फ थ्योरी बहुत लिखवाते थे, बहुत लिखवाते थे, इतना मैं पढ़ के गई कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था, उसके चक्कर में मैं फॉर्मूला भी भूल रही थी, दिमाग रहेगा सब भूल रही थी। अरे यार मतलब उल्टा हो गया थोड़ा, मतलब पहले पता है पहले मतलब पिछले साल वैसे ही आया था, हम तुम लोगों को जो भेजे थे पेपर उसको सॉल्व की थी, जो भेजे थे उसको भी नहीं की थी। हाँ देखी थी देखी थी, वैसे ही तो मतलब थोड़ा थोड़ा लेवल उसी टाइप का है, मतलब जो पहले पिछले बार जो आया था। हाँ लेकिन एक बात हम बोलेंगे, जैसे हम मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था या फिर उससे उसके बाद जो हुआ था ना दो बार एग्ज़ाम, तो उसमें मतलब पेपर जैसे हम कैसे चार डेरिवेशन जैसे तुमको दे दिया वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला और बोला इसको ड्राइव कीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, वैसे आता था। लेकिन ये जो दो साल है ना इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, तुम लोग का तो लॉजिकल आया बहुत। और इसमें डेरिवेशंस भी ऐसा था ना एकदम, डायरेक्ट नहीं बोला था कि डेरिवेशन करना है वही वाला, वो थोड़ा सा हिंट दिया था और किसी को पता नहीं चला हुआ कि कौन सा डेरिवेशन। हाँ ये बात एकदम बस ये बात एकदम हमको तुम्हारा एकदम 100% सही लगा। हाँ जब से तुम पढ़ रही हो मेरे से तब से ये बात तुम्हारा जो एकदम है ना एकदम सही लगा हमको कि डेरिवेशन मतलब इस बार पूछा ऐसे है कि मतलब इंडिकेट किया है कि ये वेरिएबल है और इसको ये ड्राइव करना है, डायरेक्ट नहीं एकदम कि ये फॉर्मूला ड्राइव करिए उस टाइप का नहीं, ये बात एकदम सही बोली। वही हम देखें ना डेरिवेशन हमको भी पहले नहीं दिखा, जैसे हम मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया था पता नहीं कौन सेट आया हमको एक स्टूडेंट भेजा, दो मार्क्स वाला। अच्छा और ये MCQs बन गया था सारा, MCQs कुछ कुछ छूट गया था, MCQs फिर भी ठीक ठाक था नॉर्मल। सलोनी से मेरा बात हुआ, वो बोली कि सर MCQs मेरा सारा बन गया, तो हमको लगा पेपर बड़ा आसान है, उसका जब अंदर गए तो उसमें पूरा एकदम गंदगी फैलाया हुआ था, बहुत ज्यादा हार्ड था। केमिस्ट्री से मतलब कि केमिस्ट्री से खराब गया मतलब ना, पता नहीं सर मेरे को तो यही लग रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में भी श्योर नहीं हूँ मैं क्योंकि केमिस्ट्री में मैं बस उसके मन से जो आ रहा था वो लिखते ठीक ही है, उसके से मैं तो कुछ आ ही नहीं रहा था मेरे को, लेकिन पेपर मेरे को बहुत ज्यादा टफ लगा, बहुत ज्यादा उस टाइम तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या ही मेरे को केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में। अरे अरे मतलब अरे तुम्हारे साथ तो पूरा वो वाला सिचुएशन हो गया अलग ही टाइप का। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी हुआ उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अभी जो आगे जो आने वाला सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो है ना, पास तो आराम से हो जाएगा ना उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मार्क्स वही उस टाइप का आएगा जैसे हम जो बोले थे 30 स्कूल देगा और 20 मतलब मान लो कि इधर तुम्हारा 35 आउट ऑफ मतलब 35 के आसपास रहेगा, 35-40 के आसपास, तो वही 7 बनाई भी हो तो ऐसी कचरा कर दी हूं, मतलब गंदा हैंडराइटिंग ना। हां अरे थोड़ा कचराई कर दी गंदा हैंडराइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है उससे, टीचर समझ जाता है कि इसको नहीं। खैर कोई नहीं, मतलब उससे ना थोड़ा सा ये खराब हो जाता है इंप्रेशन बहुत।
खैर कोई नहीं, अब बायो का बस एग्ज़ाम है ना, उसको बहुत अच्छे से करो एकदम। अगर उसमें अच्छा मार्क्स आ गया तो वही तुमको मोटिवेट कर देगा कि हाँ यार मार्क्स आया ठीक, तो उसको हाँ उसी को एकदम अच्छा से पॉलिश करो, और उसके बाद वही तुमको और हाँ कितना करूँ, 3 या 4? अरे यार 3 करो ना बस, 3 इज एनफ। हाँ, ज्यादा कर भी नहीं, देखो सुनो, हम 2 लाइन बस बोलेंगे। पहला बात कि जो तुम पूरा साल पढ़ी हो उसको रिवाइज करो बायो में, और दूसरा एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी, क्योंकि देखो केमिस्ट्री भी तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो कि सर केमिस्ट्री से बहुत, क्योंकि केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हम पढ़े हैं ना केमिस्ट्री अच्छे से, तो केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो मैं बोल ही रही थी केमिस्ट्री इजी था लेकिन मैं भूल गई थी कुछ। और फिर भी हाँ, और फिजिक्स और ये क्या बोलते हैं बायोलॉजी के लिए, वही बायोलॉजी भी एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन उसमें क्या है कि नोट्स पहले पढ़ो और सैंपल पेपर कम से कम 3 मतलब बैठ के अच्छे से तुम कराओ, 4-5 मत करने लगने, तो क्या होगा ना उससे कि थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब कि टफ लगने लगेगा, तो इसीलिए हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा ईजी। हाँ 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 लेकिन एमसीक्यू देख लेना यार, उसमें भी खतरनाक एमसीक्यू देगा, उसी में खतरनाक करेगा। और उसका कैसा गया शिखा से, उससे मेरा बात नहीं हो पाया शिखा का, उसका शायद अच्छा भी ठीक ही गया होगा, शायद उसका तो अच्छा ही गया होगा। तुमको पता है एक हम तुमको डिफरेंस बताते हैं, जैसे तुम लोग जैसे डाउट्स पूछ रही थी ना, जैसे तुम नहीं, तुम तो थोड़ा बहुत लास्ट में पता नहीं क्या छोटा सा पूछी थी कुछ, और बाकी लोग जैसे डाउट्स पूछ रहा था, तो एक लड़की थी रितिका और एक और लड़की शिखा, तो मतलब कि यही लोग, मतलब कि लोग किस टाइप का डाउट पूछ रहे थे ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस भेज रही थी कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, वो वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मतलब भेज रही थी आई मीन, तो इससे भी थोड़ा फ़र्क है कि मतलब वो लोग थ्योरी और ये सब पहले ही रिवाइज कर चुकी थी, तो अभी न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ ट्राई कर रही थी, तो और मतलब कि उसका ऐसा डाउट नहीं था कि सर ये न्यूमेरिकल हमको आता ही नहीं है, मतलब उसका ऐसा डाउट था कि ये आता है बस इसमें ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, उस टाइप का। अरे हाँ ये एकदम, और गॉस थ्योरम भी गायब, गॉस थ्योरम भी गायब, कुछ दिख ही नहीं रहा था, आया ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी ये सब कुछ नहीं आया, सब कुछ नहीं है सिर्फ। अच्छा वो हम देखे ना कि पार्ट 2 का एकदम ज्यादा दिया है, केस बेस भी पार्ट 2 से दे दिया, एसर्शन भी पार्ट 2 से दे दिया, सब चीज पार्ट 2 से दे दिया, दिख रहा है एकदम कि मैक्सिमम पार्ट 2 का ही दे दिया। अच्छा वो बना था सेमीकंडक्टर का, तो सब बन गया होगा ना, सेमीकंडक्टर का तो वो 5 मार्क्स आया था, हाँ। एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक वाला और हाँ। एक और नहीं था, और एक वो पीएन जंक्शन का फुल वेव रेक्टिफायर का आया था। हाँ। अच्छा अच्छा पीएन जंक्शन वाला है वो भी उसमें पूछा था, हम तो देख के थोड़ा सा हमको मतलब खतरनाक, मतलब कि वो भी पूछ दिया था कि रेक्टिफिकेशन के लिए क्या यूज होगा, तो मैं लिख दी कि कैपेसिटर यूज होता है पैरेलल। हाँ 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 कैपेसिटर में पैरेलल में जोड़ते हैं कैपेसिटर। हाँ हाँ फिल्टर भी लिखती ना, फिल्टर डिवाइस कैपेसिटर ऐसे लिखते तो मिल जाता, कैपेसिटर लिखी हो ठीक। अच्छा वो भी पूछ दिया था उसमें, हम देखे उसमें कि मतलब ये उस वो सब कट इन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज के बारे में बताइए, उसमें डिटेल में पूछा था, लिखी थी उसको नहीं लिखी, अरे उसमें पूरा हम वही ना देखें कि मतलब कि आता था ये क्वेश्चन ऐसे तो, लेकिन मतलब कि दो साल से नहीं आ रहा था ये सब क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर के, मतलब इतना थ्योरी इतना, तो उसमें पूरा पूछ दिया था कि ये तो मतलब कि मतलब कुल मिला के खतरनाक गया तुम्हारा। खैर कोई नहीं, आप बायो पे सिर्फ फोकस करो, हम बस यही बोलेंगे, एकदम भूल जाओ फिजिक्स को केमिस्ट्री को बिल्कुल भूल जाओ, बायो पे फोकस करो और हैंड राइटिंग अच्छा से बनाना एकदम मस्त टाइप से एकदम ठीक है। चलो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अ गुड नाइट, ठीक ओके। तो आप देख चुके हैं गाइस, मतलब कि आपको पूरा आप तो समझ में आ गया, अब कोई रिव्यू का जरूरत नहीं आपको, इससे आपको एकदम क्लियर हो गया। अब लास्ट एक बचता है, कितना हुआ बैटरी मोबाइल का डाउन हो रहा है, लास्ट एक अमीशा से बात कर ही लेते हैं हम लोग, लास्ट एक बस उठा ले कॉल, तो बाकी और लोग से तो बात करने का जरूरत अब नहीं है, है ना, अमीशा एक लास्ट है, ये एवरेज स्टूडेंट थी, देखते हैं व्यस्त आ रहा है कॉल, व्यस्त हो रहा है। प्रयास करें, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। बिजी आ रहा है तो इससे बात ऐसे नहीं हो पाएगा, एक और नंबर है इसका, ऐसे फोन करते हैं इसमें, इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल, इनकमिंग कॉल अवेलेबल नहीं है, एक और नंबर है इसमें देखो, ये व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त, दूसरे कॉल पर व्यस्त गाइस,
तो आप समझ गए होंगे कुल मिला के, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था सारा चीज़, मतलब आपके सामने एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन का किसका पेपर कैसा गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको बस तीन चीज़ों का ध्यान देना है, बस तीन चीज़। पहला, तीन चीज़, पहला कि सैम्पल पेपर बनाना है। सैम्पल पेपर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 सैम्पल पेपर, 10 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट, पूरा साल पढ़ना है। और नोट्स और डेरिवेशन अच्छे से करना है, नोट्स मतलब सारा बात हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब सब सारा काम जो हम बोले सब हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको स्कूल वाला भी टीचर नहीं बचा पाएगा, आपको ट्यूशन भी कोई नहीं बचा पाएगा, आपको 10 सैम्पल पेपर जो आप सॉल्व कीजिएगा ना एकदम बैठ करके, वो आपको बचाएगा। कोशिश कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर, कोशिश कीजिए तो एक सैम्पल पेपर जैसे 12 सेट है, अगर एक जैसे आप सैम्पल पेपर का खरीद के आते हैं तो अगर 12 सेट है तो 12 सॉल्व कर लीजिए, ऐसा कोशिश कीजिए, 12 सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, मतलब सैम्पल पेपर ही आपको बचाएगा। अमीशा का फ़ोन आ रहा है, देखते हैं बात करके। हेलो हेलो हेलो, हाँ अमीशा, कैसा गया एग्ज़ाम? आज का ठीक था एग्ज़ाम, केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री से ठीक था? हाँ, क्योंकि डेरिवेशन आया था जो पढ़ के गया था, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज्यादा था आज में। न्यूमेरिकल्स ज्यादा था, कौन सेट था तुम्हारा? मेरा 3 हमको मिला, हमको 3 ही दे रहा है लगातार। अच्छा, सेट 3 मिला। ओ मतलब बहुत लोग तो ऐसा बोल रहा है कि सर थोड़ा मतलब हार्ड ही आया क्वेश्चन, ऐसा बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी जो कजन है ना उसको सेट नंबर 2 मिला था, तो उसमें खाली एक ही डेरिवेशन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, और क्वेश्चन सबका अलग अलग था। एमसीक्यू सारा बना था तुमसे? हाँ बना था, assertion reasoning को लगता थोड़ा गलत हो सकता है। ओ, semiconductor का था ना assertion? हाँ, वो intrinsic वाला था कि अगर उसको decrease करते हैं तो क्या होता है, पूछा था कि उसमें temperature अगर increase करेंगे तो resistance decrease होगा, तो ये सही था assertion, और reason भी दोनों सही था। हाँ, तुम ए ही लिखे थे। अच्छा, assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion। तो खैर, और ये पता है तुमको एक बात, ये जो क्वेश्चन था ना assertion reasoning जो दिया था वो जेई मेंस का था, जेई मेंस में यही है। अभी अभी जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ ना, जस्ट उसमें यही क्वेश्चन आया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब कि जो मतलब खाली सेमी कंडक्टर का बोल रहे हैं, सेमी कंडक्टर का जो assertion reason पूछा था ना, वो जेई मेंस में सेम वही क्वेश्चन पूछा। मतलब हमको एक स्टूडेंट दिखाई कि मतलब वो जेई मेंस का प्रिपेयर कर रही, तो हम उसको बताएं कि देखो फिजिक्स का एग्जाम हुआ आज, तो बोली कि सर देखिए ये जेई मेंस में तो यही सेम क्वेश्चन था, मतलब ये सेमी कंडक्टर का सिर्फ बोल रहे, एक क्वेश्चन मतलब सिर्फ मैच किया उससे। तो खैर वैसा नहीं है कि बहुत हार्ड था, ईजी ही था, ईजी बात तो पूछा था। हाँ वो भी नहीं दिया, कुछ कुछ चीज़ ना मतलब गायब हो गया, मतलब पार्ट टू से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं। हाँ, कुछ दिया है एस्ट्रोनॉमिकल, और दोनों कंपाउंड दोनों और में था मेरा। अच्छा, कंपाउंड भी अटेम्प्ट किए थे, कंपाउंड उनको अच्छे से आता। हाँ, अच्छा ये बोलो कि ये बताओ कि तुम मतलब कि सैंपल पेपर हम बोले थे सॉल्व करने की थी कम से कम 3? नहीं की थी ना, मैंने जो स्टार्टिंग में भेजे थे। बस वही है ना यार, देखो जो लोग जैसे एक शिरीन नहीं है, शिरीन जो पढ़ती थी ट्यूशन, हाँ। वो 10 सैंपल पेपर सॉल्व की थी, उसी से मेरा सबसे बहुत लग से अभी हम बात बहुत लोग से किए हैं, शिरीन से बात किए तो वो बोली कि सर बहुत अच्छा गया पेपर, क्योंकि वो 10 सैंपल पेपर्स बनाई थी। एक और लड़की थी रितिका, उससे बात किए तो वो भी अच्छा, क्योंकि वो लोग सैंपल पेपर बनाई थी। तो अब जो तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है ना, उसमें भी कोशिश करो कम से कम, अब टाइम तो उतना नहीं है, कम से कम 2 सैंपल पेपर बना लेने का, क्योंकि सैंपल पेपर ही एक मतलब ऐसा चीज़ था जो जिसका एग्जाम अच्छा गया है ना, मतलब वो सैंपल पेपर बहुत बनाया है कम से कम। तो नहीं, तो प्रीवियस ईयर की अच्छा बात है, तो वो प्रीवियस ईयर तो बस तुम्हारा इसके लिए हो गया ना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आता है। सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि तुम बैठी हो फाइनली, और सिर्फ तुम्हारे पास सामने वो सैंपल है और तुम सॉल्व किए जा रही है, वैसा वो काम नहीं ना हो कि इसीलिए अच्छा नहीं गया। हम तो यही बोलेंगे बस, हम इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम है ना मैथ्स का, उसके लिए थोड़ा देखना, ध्यान देना उस पर, और बाकी जो हुआ भूल जाओ यार, है ना, बाकी जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है, बाकी जो हुआ जो जैसा जैसा गया जो भी हुआ उसको उतना सोचो मतलब उसके बारे में, बस मैथ्स पे ध्यान दो आगे, मैथ्स का एग्ज़ाम है ना उस पर सिर्फ ध्यान दो, और ये मार्क्स वर्क्स उतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा, मेन तुम ध्यान दो अभी जो मैथ्स का एग्जाम वाला है उस पर, भूल जाओ जो भी एक दो एग्जाम में, ठीक है। मैथ्स तो करता है, कब है, मैटर तो करता है ना मार्क्स टू वर्क को। हाँ मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब एग्जाम चल गया तो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत मैटर करता है, इतना एकदम बहुत सीरियस बात है ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे किसी किसी का मान लो कि बहुत, मान लो कि तुम्हारा बहुत ही कम आ गया मार्क्स, ऐसा होता है मतलब फेल नहीं, मतलब फेल तो कोई खैर नहीं होगा, लेकिन जैसे मतलब कि थोड़ा कम आ गया, तुमको लगता है नहीं हमको थोड़ा और मार्क्स मिलना चाहिए था, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होता है वो भी दे सकती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे तो बोलता है देंगे क्या, कुछ देता भी नहीं है ना, केमिस्ट्री में दे रहा ना फिजिक्स में दे रहा, क्या चीज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है जो भी याद करके गए थे आता ही नहीं है, खाली चार्ट टू डेरिवेशन बस। तो वही बोल रहे हैं ना कि
थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न, हम भी खुद शॉक्ड हो गए देख के, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा हम भी शॉक हो गए क्योंकि डेरिवेशंस दिया भी था। अभी मेरा खुशबू से भी बात हुआ, वो भी बोल रही थी कि सर डेरिवेशंस दिया तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया डेरिवेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, मतलब डेरिवेशन भी घुमा के थोड़ा दे रहा है और डेरिवेशन कम भी कर दिया। पहले आता था डेरिवेशन बहुत, वैसा नहीं आ रहा पहले के जैसा, तो बहुत कुछ चेंज किया यार पैटर्न, समझी। वो प्रीवियस ईयर तो बोले थे स्टार्टिंग बनाने के लिए, तो मैं सारा क्वेश्चन बैठ के बनाई थी चैप्टर। लेकिन हम देखो, हम तो लिख के भेजे थे ना कि सैंपल 3 बनाना है कम से कम बैठ करके, क्यों ना, क्योंकि उससे एग्जाम का मेंटालिटी बनता है फिर। सैंपल मतलब लास्ट मोमेंट में ही, मतलब कि कम से कम एक महीना पहले या फिर 2 महीना पहले बना ले सैंपल पेपर, तो उससे एग्जाम का मेंटालिटी बनता है दिमाग में कि अच्छा एग्जाम ऐसे होगा, उस टाइप से। तो खैर वो थोड़ा सा मिस हुआ, खैर जो हुआ भूल जाओ उसको, उतना टेंशन अब नहीं लेना है। मतलब तुम यही बोल रही हो ना कि मतलब पूरा साल तो खैर पढ़ी ही हो, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा चलते ये हो गया सेमी कंडक्टर, ये सब मतलब पार्ट टू का तो ठीक ठाक गया ना, पार्ट टू में जो क्वेश्चन आया था ठीक ठाक, पार्ट वन में केसी जनरेटर से क्वेश्चन दिया था जिसका मैंने वर्किंग बस लिख के आई थी। बहुत लोग बोला कि सर डेरिवेशन है भूल गए थे उसका, तो हम हुआ था डेरिवेशन क्या होगा क्या करेगा, मतलब कि इतना हार्ड नहीं देना चाहिए था, थोड़ा डेरिवेशन ज्यादा कर देता तो अच्छा है। हाँ, कोई नहीं, अब छोड़ो, अब जैसा हुआ थोड़ा सा, अब क्या अब सोचोगी, अब इतना मत सोचो, अब जो आगे पेपर होने वाला उस पर एकदम अच्छे से ध्यान दो, है ना। थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिया टफ, हल्का सा चेंज किया। 10 नंबर सीबीएसई वाला लोग देता है क्या, मतलब तरफ से? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, जो फेल होता है ना, जैसे मान लो कि जिसका 20 नंबर आया है तो उसको 3 नंबर दे के पास कर देता है, वैसा हो सकता है। टीचर देता है ना, सीबीएसई को क्या मतलब उससे, टीचर पास करता है सब जी, टीचर पास कर देता है। लड़की चीटिंग कर रही थी तो पकड़ा गई वो। हाँ कब, आज? वो केवी की लड़की थी, मेरी क्लासी भूमिषा नाम है, तो वो चुटका लेके आई थी। अरे तो फिर उसका पेपर छिना गया पूरा, तो 1 बजे उसको मिला था पेपर आधा घंटा के लिए, नया पेपर मिला था उसको। ओह माय गॉड, तब क्या की, फेल हो जाएगी वो तो? पता नहीं फेल, मुझे थोड़ी पता, उसका मैडम की बेटी है वो। कौन मैडम? एक प्राइमरी मैम है, नौनी की बेटी है। ओह माय गॉड, खतरनाक हो गया तब तो यार। मैंने उसी का ध्यान पीछे देखी तो मैं डर गई पूरा उसको देख के। बाप रे बाप। और ये इसका इसका कैसा गया, राजश्री का बात हुआ उससे? नहीं, राजश्री से बात नहीं हुआ मेरा, बस उसको मैंने मतलब कितने क्लास में मैंने देखा बहुत लोग को। शिखा तो पूरा खुश होकर निकल रही थी, इसका एग्जाम बहुत अच्छा था। अच्छा, उसका अच्छा गया। हाँ तो मतलब कि वो पढ़ी भी तो थी थोड़ा, मतलब कि पता है वो हमको डाउट्स भी भेज रही थी ना, तो उसका मतलब डाउट्स ठीक ठाक था, मतलब आई मीन मतलब कि कुछ मतलब जैसा ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आता वो बताइए, उसका डाउट्स था मतलब किस टाइप का कि जैसे सर ये क्वेश्चन में इस चीज़, मतलब लॉजिकल डाउट्स था उसका ठीक ठाक। तो वही हम बोल रहे ना यार कि मतलब सैंपल जो सॉल्व किया ना 10, उसका अच्छा गया। कोई नहीं, अब तुम्हारा तुम्हारे पास मौका है अभी भी कि मतलब एकदम जोरदार अच्छा एग्जाम एकदम जाने का, जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। ये अभी मैथ्स का होगा ना, उसमें दो अच्छा से, है ना। उस पे ध्यान दो, अब सब भूल जाओ, जो हुआ सब भूल जाओ, मैथ्स पे एकदम ध्यान दो अच्छा से, ठीक है। केमिस्ट्री का भूल जाओ, हम बोले तो भूल जाओ, नहीं फेल नहीं करता किसी को, तुम जो हम बोल रहे हो उसको मानो ना, फेल नहीं होता है, भूल जाओ उसको, जो हुआ एग्जाम में उसको भूल जाओ, टेंशन नहीं मतलब उसका, ठीक है। कोई एकदम एकदम मतलब टेंशन ही लेने का ही जरूरत नहीं, वो अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे वैसा कुछ फेल वेल नहीं होता। इंसान वैसा सोचता है एग्जाम, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ आता है ना पेपर, वैसा सोचता है इंसान कि अरे यार क्या होगा नहीं होगा। तुम अभी मतलब अभी सिर्फ मैथ्स पे ही ध्यान दो ना, है ना, मैथ्स पे ध्यान दो अच्छे से, उसको भी भूल जाओ जो भी होगा केमिस्ट्री में, रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, देख लिया जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो अभी मैथ्स पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। बहुत लोग, अब तुम्हारा ही खराब नहीं गया था थोड़ी, तुम्हारा सिर्फ खराब गया केमिस्ट्री का, कितना लोगों का केमिस्ट्री एकदम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी खराब गया है, तुम तो पढ़ी भी थी पूरा साल। बहुत लोग तो टच भी नहीं गया था कि अरे यार केमिस्ट्री तो आसान होता है, लेकिन तुम्हारा बहुत लोग का उससे भी खराब है, तुमसे भी खराब कंडीशन, बहुत ही खराब है बल्कि, तो इसीलिए टेंशन ले लो, ठीक गया तुम्हारा। फिजिक्स का तो बहुत लोग से पूछ रहे थे, अभी जैसे खुशबू से भी पूछा ना, बोली सर मतलब मेरा तो समझ लिया कि नहीं ही डूब गया, उस टाइप का, समझ रही हो ना। तो इसीलिए अब तुम्हारा ठीक गया, उतना टेंशन मत लो, बहुत लोग का। हाँ हाँ, अच्छा तुम लोग, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, और भी था, हम देखे हैं और भी डेरिवेशन था, सेट टू बोल रही हो ना, नहीं 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 और था, तुम्हारी कज़न गलत बोल रही है, हम देखे हैं डेरिवेशन सब में बैलेंस था यार, 3 डेरिवेशन हर सेट में दिया है, हम भी ठीक से नहीं देखे लेकिन 3 डेरिवेशन तो है। पता है उसको ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि डेरिवेशन इस बार थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला कि ये डेरिवेशन इसको ड्राइव कीजिए, वैसा नहीं, थोड़ा सा घुमा घुमा के आया है उसमें डेरिवेशन भी, थोड़ा घुमा के, मतलब कि जैसे देखिए ये, हाँ
क्या बोल मैं ऐसे ही कर रहा था पूरा इंग्लिश हिंदी सब में इसी टाइप से कर रहा। नहीं टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा क्या है कि अच्छे से रिवाइज करो और जो पढ़ रही हो उसको उस पर बिलीव करो, और मैथ्स में भी थोड़ा एनसीईआरटी ही बनाना, उससे भी क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा सैंपल नहीं नहीं वैसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, अच्छा से बैठ के स्टार्टिंग से वही वही सेम एफर्ट लगाओ, और थोड़ा सा अगर अगर टाइम बचे, मतलब अगर तुम सारा पहले पूरा साल जो पढ़ी उसको पढ़ लियो मैथ्स में, उसके बाद एक सैंपल एक या दो कम से कम बना लेना सैंपल यार एग्जाम से पहले, ठीक है? और ज़्यादा टेंशन में तो पीछे वाला भूल जाओ जो हुआ तुमसे भी, क्योंकि बहुत खराब हालत हुआ बहुत लोग का, तो इसलिए पीछे वाला जो हुआ उसको एकदम फॉरगेट एकदम भूल जाओ उसको, है ना? सर दानिया से पूछे उसका कैसा गया? उसका तो अभी तक पूछे नहीं, उसको फ़ोन किया तो उठाई नहीं वो, केमिस्ट्री तो उसका खराब गया है, उससे तो फ़ोन किया तो उठाई नहीं अभी, फिजिक्स में अच्छा ही गया होगा, फिजिक्स उसका ठीक ठाक ही गया होगा, बात तो नहीं हुआ अभी, ठीक है? ठीक है तब बेस्ट ऑफ लक मैथ्स के लिए, मैथ्स पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ बाबू, है ना? ठीक है ओके ओके बेस्ट ऑफ लक गुड नाइट ओके। तो गाइज अब हम वीडियो फाइनली बंद करते हैं, आप तो समझ गए होंगे सारा, तो चलिए अब हम लोग आप बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा पार्ट सबसे मतलब एकदम जोरदार लगा, सबसे खतरनाक लगा। बहुत स्टूडेंट्स को हम फोन नहीं किए जो सही ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाता, जो एकदम मतलब आपको सही रिव्यू दे सकता है उसी से हम लोग बात करके आपको एकदम कोशिश किए क्लियर करने का। तो अब आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है ओके थैंक यू।